नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहन के यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस न लेने पर दलित युवक की पीट पीट कर हत्या। मध्य प्रदेश के सागर जिले में यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर दलित लड़की के 20 वर्षीय भाई की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उनकी 49 वर्षीय माँ को भी निर्वस्त्र किए जाने का मामला सामने आया है। शनिवार यानी 26 अगस्त को पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत पर मामले की सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना गुरुवार यानी 24 अगस्त देर रात सागर जिले के बड़ौदिया नौनागिर गांव की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विक्रम सिंह उम्र 28 वर्ष और उसके परिवार के 8 सदस्य लड़की के भाई और उसके परिवार पर यौन उत्पीड़न मामले को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, जो कि साल 2019 में दर्ज कराया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने कहा कि विक्रम सिंह पर 2019 में मृतक की बहन का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था और तब से वे उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। गुरुवार को विक्रम का लड़की के भाई के साथ उसके घर पर झगड़ा हुआ, जो बढ़ गया। विक्रम ने बाद में अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया, जिन्होंने मिलकर लड़की के भाई और उसकी माँ पर हमला किया। खुरई पुलिस स्टेशन के प्रभारी नितिन पाल ने कहा, आरोपी ने लड़की की मां को निर्वस्त्र भी कर दिया। पाल ने बताया कि दोनों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मां का इलाज चल रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक आरसी पांडे ने कहा, महिला के एक हाथ में फ्रैक्चर था और मामूली चोटें थी, उनकी हालत स्थिर बताई गई है। लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी 9 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 353 यानी यौन उत्पीड़न और 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाई के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। वे अधिकारियों से आरोपियों का घर गिराने की भी मांग कर रहे थे। सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने बाद में परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने शाम को सबका अंतिम संस्कार कर दिया। खुरई देहात थाना है, उसके अंतर्गत जो है बड़ौदिया नौनागिर करके गाँव है, वहाँ पे जो है हरिजन लड़का है लालू उर्फ नितिन अहिरवार, उसके साथ में जो है कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस पर से जो है अज्ञात लोग 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो धारा 302 और SC ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।